हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचने से पहले मैंने जो है ये फाउंटेन देखा, तो सुबह सुबह बहुत अच्छा सा लग रहा था। और मुझे लोकेशन बताइएगा आप ये कहाँ पे है। जैसे ही कॉलेज पहुंची तो ये पूरे जो ग्रुप ने मिलके इतना सरप्राइज़ रखा हुआ था मेरे लिए, क्योंकि एनिवर्सरी तो एक दिन हो गया था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये बार बार कॉल करके पूछ रहे थे आप आ रहे हो या नहीं, आ रहे हो या नहीं। मुझे लगा ये कुछ काम के लिए पूछ रहे होंगे, बट ये कंफर्म कर रहे थे कि मैं कहीं छुट्टी ना कर लूँ। तो इन्होंने जो है एकदम सरप्राइज़ कर दिया मुझे केक मंगवा के। और यहाँ पे ये एक और बर्थडे गर्ल है, इसके लिए भी केक आया था पूजा, तो आप इसको भी विश करिएगा। तो यहाँ पे केक कटिंग होने के बाद सब लगे हुए हैं के जो है केक को ख़त्म करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने बुरे हालात हैं इनके। दो दो केक को ये मतलब इन्होंने 10 मिनट भी नहीं लगाए होंगे और पूरा फिनिश कर दिया था। और ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे, बस यही 7-8 का ग्रुप। और फिर उसके बाद जो है मैं करने लगी अपनी कटिंग। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये जो ग्रुप है इनका जो थीम है वो बंजारा थीम है। और इनके जो फैब्रिक हैं वो आप देख सकते हैं थोड़े डिजिटल प्रिंट में हैं। तो इस फैब्रिक को सब्यसाची फैब्रिक बोलते हैं, क्योंकि आपको ये जो है डिजिटल प्रिंट में मिलेगा। इसका प्रिंट थोड़ा सा अलग होगा, और अगर इसमें एम्ब्रॉयडरी है तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। तो ये 300-350 के आसपास पड़ता है। एक बार मैंने इसी फैब्रिक की जैकेट बनाई थी, जो प्रांजल दैया से इंस्पायर होके जो बनाई थी, तो वो भी यही फैब्रिक था। तो यहाँ पर ये स्कर्ट के लिए कलियाँ कट कर रहे हैं। और जैसे जैसे बच्चों की और थीम आगे सामने आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये जो है इनकी जो बंजारा थीम है, उसमें जो कॉलेज में जो सबमिट होती है ड्रेस, ये उसका फैब्रिक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ ब्लाउज़ का है अभी, और ड्रेस इसके नीचे का भी ऐसा ही है सेम। तो ये तो बिल्कुल देखने से ही लग रहा है कि हाँ ये बंजारा थीम है। तो इस तरीके से इनको थोड़ा सा ब्लाउज़ में दिक्कत आ रही थी, तो मैं इनकी थोड़ी हेल्प कर रही थी। अगर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पे सब मतलब बहुत अच्छे से और प्यार से ही पूछते हैं, तो मैं मना नहीं करती चाहे मुझे कितना भी काम हो। क्योंकि इस दिन मुझे अर्जेंट सूट देने थे, लेकिन फिर भी इनको थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लाउज़ को कैसे कटिंग करें। तो फिर मैंने अपना काम छोड़ा और इनका जो है पहले करा के फिर अपना किया। तो यहाँ से 9 से 5 टाइम भी बहुत होता है, तो ऐसे करके मतलब दोनों मेरा भी काम हो ही जाता है, तो हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को नहीं आता है तो स्टार्टिंग में तो हेल्प करनी ही चाहिए, मेरा ये मानना है। तो यहाँ पे इनके ब्लाउज़ को कट करेंगे हम। यहाँ पे 34 बस्ट है और 28 जो है वेस्ट है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अस्तर कट कर लिया है। और हम इसका जो नेक है वो बनाएंगे स्वीट हार्ट नेक, और जो आर्म होल है वो लेंगे 6x6 का। तो इस तरीके से इनको प्रिंसेस कट में बनाना था, तो मैंने इनसे सारी रिक्वायरमेंट पूछ ली कि आपको कैसे कैसे चाहिए। तो इनको आगे का ब्रॉड चाहिए था, ब्रॉड भी चाहिए था, और जो है थोड़ा सा डीप भी चाहिए था। तो यहाँ पे 3 जो हम चौड़ाई ले लेंगे। और पहले मैं स्क्वायर में देख रही हूँ कि स्क्वायर में कैसा लगेगा। तो इन्होंने स्टार्टिंग में स्क्वायर बताया, लेकिन इनको बताना नहीं आ रहा था कि इसमें कैसे जो है कैसा इनको एग्जैक्टली चाहिए। तो फिर जैसे जैसे बताते गए तो मुझे समझ में आ गया कि इनको स्वीट हार्ट जो होता है डीप वाला वो चाहिए, कुछ इस तरीके का। इन्होंने इस तरीके का भी दिखाया, बट नहीं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि सब ने अपने ड्रेस से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ जो है सेव करके रखे हुए हैं फ़ोन में। लेकिन जब कटिंग करने आते हैं तो ये होता है कि सबसे बेस्ट जो है हमारा हो। तो यहाँ पे इनका जो अभी हम सोच में ही पड़े हुए हैं कि कौन सा बनाएं। तो ये देखिए, इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, डीप और ब्रॉड। तो अगर ज़्यादा ब्रॉड हो जाए नीचे से तो उसको थोड़ा कम कर लेंगे, बट एक बार ड्रॉ करके मैंने इनको समझा दिया कि आपको ऐसा चाहिए। तो फिर इनको लगा हाँ हाँ ऐसा ही चाहिए, तो
हम फाइनल जो है थोड़ा सा अगर नीचे से जो इसकी गहराई है ज़्यादा है वो हम कम कर देंगे ताकि अजीब ना लगे। आप देखेंगे आर्म होल और जो है नेक के बीच बिल्कुल थोड़ा सा गैप बचा है, कम से कम 2 इंच का तो हो। और अब जो है 11.5 या 10.5 के आसपास जो है हम टक्स का निशान लगाते हैं और 3.5 पे जो है इसकी चौड़ाई रखते हैं। लेकिन ये प्रिंसेस कट रहेगा, इन्होंने मुझे बताया प्रिंसेस कट बनाना है तो हम प्रिंसेस कट देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें। और इनको ये भी है क्योंकि ये स्टार्टिंग में सिल रहे हैं, तो ये देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब मैं इसको काटने लगी तो इन्होंने बोला कि हम जो है कट करके नहीं बनाएंगे, सीधा इसको सिल देंगे, कौन काटने में इतनी मेहनत करेगा। तो सही है बिगनर्स के लिए ये चीज़ भी। तो ये जो डार्ट हमने बनाई है ये सीधा सीधा इसको पकड़ के और ऐसे ही इसमें जो है जैसे हम डार्ट लगाते हैं वैसे ही इसको बना देंगे प्रिंसेस कट को। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं बट मैं तो यही कहूँगी कि प्रॉपर प्रिंसेस कट का लुक जो है आपका वैसे ही आता है जैसे हम इसकी कटिंग करते हैं। बट हाँ अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो बैक पार्ट को अलग कर देंगे और यहाँ पे इनका जो कॉलेज में सबमिट होगा ब्लाउज़ उसका इनको बैक कट कराना था, तो पहले हम फ्रंट एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे और बैक इनको जो है डीप में चाहिए था तो डिज़ाइन इनको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको मैंने कैसा बनाया। तो एज इट इज़ इसी साइज़ में चाहिए था तो मैंने इसे इन कॉपी कर दिया। बहुत काम करती हूँ ना मैं यहाँ कॉलेज में, जिसको भी हेल्प चाहिए होती है फ्री हेल्प फ्री सेवा मिलती है। तो इस तरीके से और ऐसा नहीं है कि ये आजकल की बात है, मुझे 3 साल होने वाले हैं। मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिस से जो है हमें, मैं किसी भी मतलब चाहे कोई नया बच्चा हो कुछ ना कुछ मुझे सीखने को ही मिलता है तो इसलिए मैं कभी मना नहीं करती। तो यहाँ पे इनका बैक कट करेंगे हम और देख लेंगे कि क्या इनको डिज़ाइन या वेरिएशन चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुझे दिखाया था उस हिसाब से तो जो है हम अगर सीधा भी कट करेंगे तो सेम लुक आएगा। ये सेम वही प्रिंसेस इस तरीके से ही सेम, ये भी इसमें भी जो है ये कट नहीं करवाएंगे और नेक जो है यहाँ पे देखिए नेक हम जो है थोड़ा सा वी शेप में लेंगे, डीप वी जो है थोड़ा इस तरीके से कट करें। आप सीधा वी कट करेंगे तो कभी भी जो है लुक नहीं आएगा, तो इनको नीचे तक चाहिए था तो इन्होंने और डीप करा लिया। मैंने तो कर दिया भाई जितना चाहिए उतना आप डीप करवा लीजिए। तो देखिए और अगर डीप वी वैसे लुक अच्छा देता है, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें जो पट्टी लगा सकते हैं, कटिंग आप जो है डीप में ही कर लें। तो यहाँ पे डीप वी मैंने कट कर दिया है और इसका जो बैक है, मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट को काटने जा रही थी तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं इसको भी हम वैसे ही सिलाई करेंगे। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि ये खुद से करना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो ये इनका प्रिंसेस कट रेडी है और कम से कम 2-3 ब्लाउज तो मैंने कट कर ही दिए होंगे इनके। अब इनका बैक कट करेंगे और सेम से ही साइज थे सबके, तो समझ में नहीं आ रहा था कि इनको कैसे जो है बैक का डिज़ाइन बनवाना है, ये बता भी नहीं पा रहे थे। हाँ लेकिन इनको गहराई में डीप चाहिए था, मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया एकदम, देखिए एकदम ऐसे रफली ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे लगे दीदी ये कौन सी शेप है, तो जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर दिया मैंने। तो फिर भी एक बार सोचा कि अच्छा लगेगा या नहीं, तो क्योंकि ये वी इन्होंने मना कर दिया था कि बहुत हो गए हैं वी, मैंने बहुत पहने हैं। तो मैं 2-3 शेप मैंने इनको बताई तो उसमें भी इनको समझ नहीं आ रहा था,
फिर फाइनली ये हुआ कि जो मैंने पहले ड्रॉ किया था यानी कि ये वाला, इसको थोड़ा सा अच्छे से शेप देके, यानी कि जो पीछे है हम एक इंच की पट्टी रखेंगे, जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर दिया था मैंने। और अलग अलग डिज़ाइन भी ड्रॉ हुआ है फ्लो में। तो ये देखिए सुंदर लग रहा है, आप मुझे बताइए कमेंट करके अच्छा लगा या नहीं। बाकी ये शेप कौन सी बन गई मुझे भी नहीं पता, मैंने जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। तो अब देखिए ये जो मेन फैब्रिक है इनका, और फैब्रिक मैं आपको दिखाती हूँ इनकी थीम के, सारे फैब्रिक बारी बारी से सारे डिजिटल प्रिंट में हैं, बस जिसमें वर्क नहीं है वो थोड़ा सा मतलब 200-250 के आसपास इनको मिल गया, 200-250 रुपये मीटर। ये इसमें जो है वर्क नहीं है इसमें, तो ये इनके पूरे ग्रुप की ड्रेसेस हैं। ये देखिए ये दूसरा है डिजिटल प्रिंट में ही, ये भी 300 के आसपास है इनका फैब्रिक, आई थिंक 250 रुपये मीटर है ये। ये भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी स्कर्ट्स बनेंगी इन सब की, और जब बनेंगी तो मैं आपको ज़रूर से शेयर करूँगी एक एक चीज़। ये देखिए ये तीसरा फैब्रिक है इन्हीं इसी जो है थीम का, बंजारा थीम का। और ये चौथा फैब्रिक है, तो सारे फैब्रिक मैंने जो बंजारा, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था जब इसकी कटिंग हो रही थी, ये सबसे कॉस्टली है। तो इस तरीके से दूसरी साइड जो है बच्चे, इनकी जो थीम है बटरफ्लाई है, तो इनकी ये ड्रेस जो है कॉलेज में सबमिट होगी। नीचे जो है ये टिश्यू लगाएंगे और ऊपर जो योक पार्ट है उसमें ये वाला यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है। तो इस तरीके से ये जो है ड्रेप कर रहे हैं, नीचे की ड्रेपिंग करेंगे और फिर इसको मेन फैब्रिक पे ड्रेप करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे मतलब नई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो ये ग्रुप भी बहुत मतलब मेहनत करता है, नई नई चीज़ें सीखता रहता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी, मेरा जो काम अब रह गया था जो मुझे करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तो काम नहीं हो पाया था क्योंकि ये मुझे हमेशा उलझा ही लेते हैं अपने कामों में। तो मैंने यहाँ पे एक पेंट और दो कुर्तियाँ स्टिच की, इतना ही हो पाया। फिर टाइम हो गया था, 5 बजने वाले थे, तो जितना भी हो पाया मैंने कर लिया, क्योंकि यूँ समझ लीजिए 1 बजे के आसपास मैं शुरू किया था मैंने सिलना, तो जुकी मशीन के ऊपर काम जल्दी हो जाता है। पता नहीं मैं कब लेके आऊँगी। लेकिन जब भी लेके आऊँगी आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी जुकी मशीन। हाँ, ये वैसे तो मार्केट प्राइस इसका 26,000 से 30,000 के आसपास रहता है, लेकिन देखते हैं, मुझे जो है विदाउट जो है ये बिना टैक्स के मिल जाए तो अच्छी बात है, GST वगैरह ना, मतलब अभी बातें चल रही हैं। जब भी ऐसा होगा, मैं अभी ढूंढ रही हूँ मशीन, मिल जाएगी जब भी तो मैं ज़रूर से लूँगी। और सारे मतलब मेरा एक्सपीरियंस और उसके प्राइस सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो डिज़ाइन और लाइफस्टाइल से जुड़ी सारी जानकारी मैं हर रोज़ अपडेट करती रहती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ जब बहुत ज़्यादा काम होता है। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें रोज़ नई अपडेट के लिए। आप कुछ ना कुछ, मैं ये ज़रूर आपको कह सकती हूँ कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे यहाँ से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट करके जाइएगा कि आपको वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। और इस गाउन की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो ये अब स्टिच खुद से कर रही हैं, ये बटरफ्लाई वाली थीम ही है इनकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।